बीजेपी के कद्दावर नेता और रांची सीट के प्रत्याशी सीपी सिंह ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सीपी सिंह ने R9 टीवी के ब्यूरो चीफ ब्रिजेश राय से खास बातचीत करते हुए दावा किया कि अब की बार बीजेपी 65 पार जाएगी। हमारे साथ रांची सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सीपी सिंह जी हैं, बहुत वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। सर, जानना चाहूंगा, आपने मतदान कर दिया, यहाँ पर खास तौर पे शहरी क्षेत्र में 2014 में जो देखा गया वोट का प्रतिशत काफी कम रहा, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, वोट का प्रतिशत काफी कम रहता है, देखिए इसके लिए पार्टियां भी, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट हो। देखिए, लोकतंत्र का यह महापर्व है, इस महापर्व में हर व्यक्ति को वोट देना ही चाहिए, उसके बाद भी उदासीनता रहेगी रहती है तो मैं ये कहूँगा, लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, इसे दान के रूप में लें, इसका नाम है मतदान। तो आप तरह तरह के दान करते हैं तो उस एक दान में ये मतदान भी है, इसलिए इससे नहीं चुके और इस लोकतंत्र के महापर्व में अवश्य अपना मतदान करने का काम करें। सर, जानना चाहूंगा, आज 17 सीटों पर चुनाव है, बीजेपी के पास ज्यादातर सीटें हैं, क्या उम्मीदें हैं जिस तरीके से विपक्ष लगातार चुनौती दे रहा है? अब कौन विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष देखिए बात ऐसा है, उसका काम है, अपना काम है भारतीय जनता पार्टी का। मैं इतना कहना चाहूंगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुल मिलाकर पांचों चरण में 65 पार का जो लक्ष्य है उसको भारतीय जनता पार्टी अचीव करने का काम करेगा, और जनता भी चाहती है कि स्थायी सरकार बने, तो स्थायी सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। ये थे हमारे साथ सीपी सिंह जी, और इन्होंने कहा कि जनता स्थायित्व को मत देगी और निश्चित तौर पर अब की बार 65 पार। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये 17 सीटें जो आज है जहाँ पर चुनाव हो रहा है, ये काफी अहम है और यही सीटें सत्ता पर पहुंचाने का रास्ता बनाएगी। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV, रांची।